दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इकलाक और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल सोचो जानो। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैक्स नाउ के बारे में। जी हां दोस्तों, हम टैक्स नाउ को कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। दोस्तों, अभी तक के आपने अपने सोचो जानो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, वहां पर क्लिक करके आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय का वीडियो को हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं टैक्स नाउ को अपडेट कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो, टैक्स नाउ है, टू ट्रैक्स है, टू एंड लाइन है और नेक्स्ट प्लस है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों टैक्स नाउ के बारे में। दोस्तों, ये हमारे पास जो चार ही एप्लीकेशन है वो फुल्ली अपडेटेड है। दोस्तों, एक एक करके मैं आपको इन चारों ही एप्लीकेशन का अपडेट जो है वो दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज हम बात करेंगे टैक्स नाउ के बारे में। तो सिंपल दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक के टैक्स नाउ को अपडेट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो पहली लिंक है वहाँ से भी आप प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हो। अगर आपको प्ले स्टोर में टैक्स नाउ नहीं मिल रहा है तो दूसरी जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए उस एप्लीकेशन को, टैक्स नाउ को। तो सिंपल, दूसरी वाली जो लिंक है उससे क्लिक करने से पहले दोस्तों आपके जो फ़ोन में जो भी टैक्स नाउ जो इंस्टॉल है उसको पहले अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद जो दूसरी वाली लिंक है उस पर क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हो उसको। तो सिंपल दोस्तों, और कुछ भाई लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, अकाउंट नहीं बन रहा है, तो सिंपल मैं आपको इसमें पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। सिंपल, अभी जो हमारे पास ये फुल्ली अपडेटेड टैक्स नाउ है तो यहाँ पे दोस्तों हम जो है अपना यहाँ पे कोई भी एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ देने वाला हूँ, तो 8:36 हो रहा है यहाँ पे और मैं अभी आपको डेट भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक ईमेल आईडी दे दिया, यहाँ पे कोई भी हम पासवर्ड एक क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद सिंपल यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट टू फेसबुक से भी अकाउंट बना सकते हो, लेकिन हमें कनेक्ट टू फेसबुक से अकाउंट नहीं बनाना है। सिंपल दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ भी एक ईमेल आईडी दे करके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है आई एम नॉट रॉबोट, तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो डब्बे का निशान है यहाँ पे आप क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो सबमिट पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे आपको एक कैप्चर आएगा, तो दोस्तों ये बोल रहा है दोस्तों आपको जो जितनी भी दुकान टाइप की दिख रही है यहाँ पे, इन सारी पिक्चर को जो है सेलेक्ट कर लीजिए क्लिक करके। तो सिंपल यहाँ पे हम चारों ही को सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। ये दोस्तों कभी कभी प्रॉब्लम होती है, अभी ये हाल ही में दोस्तों ये करीबन 10-15 दिन से है दोस्तों, या करीबन 20-22 दिन से इसी की प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे आप 2-3 बार क्लिक करोगे तो ही आपका जो है अकाउंट जो है वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करते जाइए जब तक कि आपका जो है अकाउंट जो है वेरीफाई नहीं होता, जब तक कि आप यहाँ से आप बार बार ट्राई कर सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पे फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आप जो इंस्ट्रक्शन है ये इसको फॉलो कर लीजिएगा। देखिए अभी यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट द ऑल इमेज कार, यहाँ मतलब कि यहाँ पे जितनी भी कार टाइप की जो जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे आपको सब क्लिक करके इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप वेरीफाई पे क्लिक करो तो भी ये वेरीफाई नहीं हुआ है। अभी दोस्तों ये बोल रहा है जितने भी सिग्नल टाइप के दिख रहे हैं तो आप उनको क्लिक कर लीजिए, तो वो भी हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो इसी तरीके से आप ट्राई करते रहिए जब तक कि आपका अकाउंट नहीं वेरीफाई होता है, जब तक कि इसको करते रहिए, क्योंकि इसमें जो है अभी प्रॉब्लम आ रही है इन सब चीज़ों की। तो मैं आपको, जब आप 5-6 बार ट्राई करोगे तो बन जाएगा। अभी इससे पहले मैंने अकाउंट बनाया था करीबन 7 बार बना था, अभी देखिए 6-7 बार हो गया तब भी बन गया है हमारा अकाउंट। तो यहाँ पे अभी बोल रहे हैं पासवर्ड सेव करने के लिए, तो यहाँ पे आप चाहो तो कर सकते हो, मैं सेव करने वाला नहीं हूँ, इसको मैं नेवर पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, ये जो अभी जो ये नंबर जो जनरेट कर रहा है ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है। दोस्तों यहाँ बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो यहाँ पे आपको नहीं दिखती है, उनको एरिया कोड आपको यहाँ से लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि अगर मुझे कनाडा का नंबर लेना है या फिर न्यूयॉर्क का नंबर लेना है तो हम डायरेक्ट यहाँ से नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है नंबर वो पता नहीं है, तो यूनाइटेड स्टेट ही का लेकिन किस कंट्री का है ये नहीं मालूम है। तो सिंपल यहाँ पे आपको चेंज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर आपको एरिया कोड मालूम है, जैसे कि दोस्तों मुझे जो है कनाडा का मालूम है, अगर कनाडा पे हम अकाउंट बनाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 204 हम टाइप करेंगे तो कनाडा का झंडा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। तो अभी जो हमारे पास आई एग्री पे क्लिक करना है, अभी जो हमारे पास जो नंबर आया है वो कनाडा की पूरी लिस्ट आ गई है। अब इनमें से हम दोस्तों कोई भी एक नंबर को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं।
तो सिंपल दोस्तों यहाँ पे हम एक ही नंबर पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी जो ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो कैनेडा के नंबर से ही वेरीफाई, अगर आप दोस्तों अगर पेन चैट जो एप्लीकेशन है अगर आप उस पर अकाउंट बनाओगे, हालांकि दोस्तों जो है वो टैक्स नाउ के नंबर से नहीं बनता है, लेकिन आप अगर कैनेडा के नंबर से बनाओगे तो आपका जो है पेन का अकाउंट बन जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो दोस्तों। आपके पास एक बार और OTP नहीं आएगा, आप कॉल मी पे जब आप जैसे कि टैक्स नेक्स्ट प्लस पे नहीं सॉरी दोस्तों जब आप पिन चैट पे अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बनाने के बाद कंट्री सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप वहाँ पे जो है कनाडा को सेलेक्ट कर लीजिएगा। कनाडा पे सेलेक्ट करने के बाद नंबर आप अपना डालोगे, नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो OTP आता है ना, तो उसी दौरान दोस्तों आपको एक जैसे कि टाइमर जो होता है 60 सेकंड का या 50 सेकंड का जो भी टाइमर होता है, टाइमर कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो आपके पास एक कॉल मी का ऑप्शन आता है, तो सिंपल आप कॉल मी पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है कॉल आएगी, कॉल में जो है आपको कोड बताया जाएगा, वो कोड आप डालोगे तो आपका जो है अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप किसी और टैक्स नाउ के नंबर डालते हो दोस्तों, अगर मान लो अगर आपने कंट्री नहीं सेलेक्ट करी है या एरिया कोड नहीं सेलेक्ट किया, बगैर बाय डिफ़ॉल्ट आपने एरिया कोड अगर उसमें सेलेक्ट कर लिया है, आपको नहीं मालूम है, हालांकि आपको ये मालूम है कि ये भाई US का नंबर है, लेकिन एरिया मतलब सिटी का नहीं मालूम है कि कैनेडा सिटी का है या फिर दोस्तों न्यूयॉर्क का है। यूनाइटेड स्टेट में बहुत बड़ा है, कई सारे देश का सिटियाँ आ गई हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में आ गया न्यूयॉर्क आ गया, और भी बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया आ गया और आपका कनाडा आ गया, ये सब एक अलग अलग जैसे कि होता है तो वो चीज़ है। तो अभी हमने दोस्तों जो है नंबर ले लिया है, तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड को भी इन्वाइट कर सकते हो। तो इसी तरीके का दोस्तों यहाँ पे पूरा प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये हमारी पूरी बात समझ में आ गई होगी, और इस एप्लीकेशन का जो पहला लिंक है वो आपको प्ले स्टोर में लेकर के जाएगी। अगर आपका प्ले स्टोर से अपडेट नहीं होता है तो जो दूसरी लिंक मिलेगी उस पर आप लोग क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई दोस्तों तो लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी जो मेहनत का फल है वो आपके लाइक के बटन पर क्लिक करना है। अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए दोस्तों ऐसे ही फ्री कॉलिंग की और टिप्स और ट्रिक्स लाता रहता हूं दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।